हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पापा एंड डैडी सीजन 2 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने इसका एपिसोड 4 नहीं देखा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें जेरी और डायमिन को एक साथ सोते दिखाया जाता है। फिर जेरी अपनी आंखें खोलता है जो कह रहा होता है, गुड मॉर्निंग ताइपाई। तभी वहां जिमी आता है। जिमी कहता है, डैडी ओ सॉरी, मैं बास्केटबॉल खेलने जा रहा हूँ। डायमिन कहता है, नहीं, तुम स्कूल जाने की बजाय कहाँ जा रहे हो? जिमी कहता है, आंटी ने कहा मुझे स्कूल नहीं जाना है। डायमिन कहता है, नहीं, एक मिनट रुको। देन डायमिन बेड से उठकर जाता है। तुम्हें केवल वही करना चाहिए जो मैंने तुमसे कहा था। क्या होगा अगर वहाँ बुरे लोग हों? जिमी कहता है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ इतने बुरे लोग हैं। जहाँ डायमिन कह रहा होता है, नहीं तुम रुको। देन वो जेरी को कवर करने के लिए पिलो देता है। डायमिन कहता है, मेरी बात सुनो, तुम किसके साथ बास्केटबॉल खेलने जा रहे हो? जिमी कहता है, मैं देखूंगा कि वहाँ कौन है। डायमिन कहता है, तुम वापस स्कूल कब जा रहे हो? जिमी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। डायमिन कहता है, मैं तुम्हें स्कूल ले जा सकता हूँ, क्या तुम पहले अपने कपड़े पहन सकते हो? जहाँ जेरी दोबारा लेट कर कह रहा होता है, थैंक्स ताइपाई। नेक्स्ट सीन हमें काई और जेरी को दिखाया जाता है। जहाँ जेरी काई को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है। जेरी कहता है, काई डैडी की बात सुनो, कुछ भी करो जो आपके टीचर तुम्हें करने के लिए कहते हैं, और लंच टाइम में एक झपकी ले लो, ठीक है? काई कहता है, लेकिन मैं सो नहीं सकता। देन जेरी कहता है, तब तुम कोई बुक पढ़ सकते हो, दूसरे बच्चों को परेशान मत करना, ठीक है? तुम्हें चुप रहने की जरूरत है, तुम समझो। देन जेरी काई को स्कूल छोड़ता है और टीचर को हाय बोलता है। फिर जेरी को डायमिन का मैसेज आता है जो कह रहा होता है, बेबी एमी को हमारी मदद की जरूरत है, मीट यू एट TKK, जिसे पढ़कर वह तुरंत भागता है। उसके बाद हमें एमी और मैट को TKK रेस्टोरेंट में बैठे दिखाया जाता है, जहां जेरी और डायमिन दोनों आते हैं। दोनों कहते हैं, हाय मैट। एमी कहती है, आखिरकार तुम यहां हो। दोनों कहते हैं, क्या चल रहा है? एमी कहती है, मैंने सुना है कि मैट को बुली किया गया था, और मैट ने कहा कि वह स्कर्ट पहनना चाहता है। जब हम आज सुबह बाहर गए तो सासा और मैंने सोचा कि ये ठीक रहेगा अगर वह स्कर्ट पहनता है, लेकिन जब हम किंडरगार्टन के गेट पर पहुंचे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो तुरंत उस पर हंसने लगे। उनमें से एक ने उसकी स्कर्ट तक खींच दी। जेरी कहता है, क्या बच्चों के पेरेंट्स ने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका? एमी कहती है, नहीं, लकीली मैट को पता नहीं था कि वह उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, उसने सोचा कि ये फनी है। डायमिन कहता है, क्या सासा को इस बारे में पता है? एमी कहती है, नहीं, मैंने उसे नहीं बताया। तुम्हें पता है कि वह कैसी है? वह शायद उन बच्चों को डांटने के लिए स्कूल चली जाती, यह और भी बुरा होगा।
डैमिन कहता है, टीचर के बारे में क्या? एमी कहती है, वेल मैं एक मिनट पहले ही बहुत गुस्से में थी और तुम जानते हो मैं बस मैट को उस जगह से बाहर लाना चाहती थी। मेरे पास टीचर को बताने का समय भी नहीं था। जेरी कहता है, मुझे लगता है कि अगर मुझे इसके बारे में टीचर को बताना होता ये खराब हो सकता था, क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि टीचर इसे एक्सेप्ट कर सकती है। डैमिन कहता है, मुझे लगता है कि आजकल टीचर्स काफी खुले विचारों वाले हैं। यदि वे उन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो बाकियों से अलग हैं, ये दूसरे बच्चों को कैसे बताएंगे कि हमें एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करने की जरूरत है। जेरी कहता है, ये बताना मुश्किल है, अभी भी बहुत से लोग हैं जो आज भी कंजर्वेटिव हैं। देन डैमिन कहता है, वे कौन है? देन वहाँ मैट की टीचर आती है। वो टीचर कहती है, मैंने सुना कि स्कूल के गेट पर क्या हुआ, वहाँ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। लकीली मुझे आप सब यहीं मिल गए। मेरे क्लास में दूसरे बच्चों से बात की, खासकर शॉन से जिसने मैट की स्कर्ट खींची। उसने जो किया उसके लिए मुझे खेद है। क्या मैट ठीक महसूस करता है? देन वो मैट को पूछती है, क्या आप मेरे साथ क्लास में वापस जाना चाहोगे, क्योंकि शॉन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। देन मैट एमी से पूछता है, क्या मैं अब क्लास में वापस जा सकता हूँ? एमी कहती है, ऑफ कोर्स जा सकते हो तुम। टीचर कहती है, एज अ टीचर मुझे खुद भी ये उम्मीद है कि वह कपड़े पहन सकता है जिसके साथ वह सबसे कंफर्टेबल महसूस करता है। देन डैमिन कहता है, टीचर यू आर अमेजिंग। देन टीचर मैट को वहाँ से ले जाती है। एमी कहती है, थैंक यू मुझे यहाँ ड्रॉप करने के लिए। ओके भाई, अरे मैं तो भूल ही गई, जेरी ने अभी जो कहा उससे मुझे याद आ गया, यहाँ एक यंग चैन ये का मेमोरियल कंसर्ट है इस वीकेंड, तुम सभी को एक साथ आना है। जेरी कहता है, ओके मैं उन्हें वहाँ ले आऊँगा। फिर एमी कहती है, ओके बाय। नेक्स्ट दिन हमें जिमी और डैमिन को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ जिमी कह रहा होता है, क्या हम एक कंसर्ट में जा रहे हैं, हिप हॉप या रॉक? डैमिन कहता है, ये एक मेमोरियल कंसर्ट है यंग चैन ये नाम के एक लड़के की याद में। जिमी कहता है, वह कौन है? डैमिन कहता है, जब वह तुम्हारी उम्र के करीब थे तब उनका निधन हो गया, उन्हें अपनी जिंदगी में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का सामना करना पड़ा। मैंने अभी इसके बारे में सुना है, वैसे भी ये बहुत ही दुखद कहानी है। तब डैमिन स्टोरी बता रहा होता है, बट जिमी फोन पर लगा होता है और हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक सुन रहा होता है। फिर डैमिन उसे देखता है, देन वो जिमी को गले लगा लेता है। जिमी कहता है, डैड क्या आप ठीक हैं? डैमिन कहता है, जिमी तुम गलत नहीं हो, ऐसा मत सोचो, बस अपने आप में हो। मैं तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति में बदलने के लिए नहीं कहूँगा जो तुम नहीं हो, तो तुम तनाव महसूस मत करो, ठीक है? मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ कि तुम कौन हो। तुम जानते हो कि डैडी हमेशा तुम्हारी पीठ थपथपाते हैं। जिमी कहता है, मैं समझता हूँ, मैं स्कूल वापस जाऊँगा नेक्स्ट वीक। डैमिन कहता है, ओके मुझे तुम पर गर्व है। देन दोनों शेक करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जेरी को दिखाया जाता है, जो जिमी और काई का शोर सुन रहा होता है। देन हमें काई और जिमी को कंसर्ट की डांस प्रैक्टिस करते दिखाया जाता है। फिर वहाँ जेरी आता है। जेरी कहता है, जिमी काई ये सोने का समय है, अभी तुम आधे घंटे पहले ही अभी अभी कर चुके हो, अब बहुत देर हो चुकी है और अब सोने का समय टालना नहीं है, म्यूजिक बंद करो और अब बिस्तर पर जाओ। बट जिमी बात को सुन नहीं रहा होता। फिर जेरी चिल्लाकर कहता है, तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन काई को है। ये बात सुनकर काई उदास होकर रूम से बाहर चला जाता है। देन जेरी कहता है, जिमी, पर वो नहीं सुनता। दूसरी तरफ काई सो जाता है। फिर जेरी जिमी के बारे में सोच रहा होता है और उसके रूम में जाने की कोशिश करता है, बट वह नहीं जाता। उसके बाद जेरी को डैमिन का वेट करते दिखाया जाता है। देन वो सो जाता है। फिर वहाँ डैमिन आता है। डैमिन कहता है, डार्लिंग अब इतनी देर हो चुकी है, तुम बेड पर क्यों नहीं सो रहे, क्या बात है? जेरी कहता है, मैं जिमी पर अभी चिल्लाया। डैमिन कहता है, क्यों? जेरी कहता है, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है जब वह काई के सोने के समय में बाधा डालता है, मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया और मैंने अपनी आवाज़ उठाई। डैमिन कहता है, तुम्हें इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, जिमी काई की बहुत परवाह करता है। जेरी कहता है, मुझे पता है, मैं भी इससे खुश हूँ, लेकिन मुझे अभी भी उसकी जिम्मेदारी लेनी है। डैमिन कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं इसका हकदार हूँ या नहीं। जेरी कहता है, आखिरकार मैं उसकी सौतेली माँ के रूप में नहीं गिन सकता, मेरे द्वारा उसे मना करने के बाद और जिस तरह से उसने मुझे देखा, उसने देखा मैंने जो किया उसके लिए मुझे पछतावा हुआ, और तुम उसे ये बताने में मेरी मदद कर सकते हो। देन वो देखता है डैमिन सो गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां चारों डैमिन काई जिमी जेरी कंसर्ट के लिए जा रहे होते हैं, बट तीनों आगे रहते हैं और जिमी पीछे रहता है। डैमिन कहता है, स्टॉप, मुझे लगता है कि एक फैमिली के तौर पर हमें एक दूसरे के साथ सीक्रेट नहीं रखने चाहिए, हमें अब कुछ समय बिताना चाहिए ताकि हर कोई खुलकर अपनी बात कर सके
ओके, फिर जेरी, जिमी, काई एक ही चेयर पर बैठ जाते हैं, जहाँ डैमिन कहता है अगर तुम्हारी माइंड में कुछ भी है तो कह दो एक दूसरे को। जहाँ जेरी और जिमी एक दूसरे को एक साथ कह रहे होते हैं, जेरी मुझसे नफरत करता है, जिमी मुझसे नाराज है। जेरी कहता है मैं तुमसे नफरत नहीं करता। देन काई कहता है पापा बहुत गुस्से में थे। जेरी कहता है मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस दिन तुमने काई को देर रात से सुलाया था, उसे स्कूल जाना था, तुम्हें पता है। डैमिन कहता है अब हमारे पास दो चॉइस है, नंबर एक हम सब ऐसे ही उदास रह सकते हैं और कंसर्ट में जा सकते हैं, नंबर दो हम इसे अभी के लिए जाने दे सकते हैं और कंसर्ट के टाइम को एंजॉय करें। जेरी कहता है थैंक्स बेबी। डैमिन कहता है ये मैं तुमसे हिसाब करूंगा रात के समय। देन डैमिन जेरी को किस करता है। स्टेज पर एक लेडी अपने बेटे को लेकर कह रही होती है मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा गे है या नहीं, लेकिन मैं उसे कंपनी दूंगी जब तक इसका पता नहीं लगा लेती। थैंक यू। देन सभी क्लैपिंग करते हैं। उसके बाद वो लेडी अपने बेटे को हग करती है। एमी सासा को कहती है बेबी मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैट लड़के के कॉस्ट्यूम पहनना पसंद करता है या लड़की के, यहाँ तक कि एनिमल की कॉस्ट्यूम्स, जब तक वह खुश है ना। दूसरी तरफ डैमिन कहता है जो कि जिमी यहाँ मेरे साथ है, मैं उसे बदलने की कोशिश करता रहता था, मैंने सोचा कि उसे मेरे रास्ते के लिए कहना सही था, लेकिन मैंने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था कि मैं और ताइवान दोनों उसके लिए सब कुछ अजीब और अनजान है। मैं स्कूल में बल्कि दुखी महसूस करता था और जब वह घर आता था तो वह मान्य नहीं होता था, शायद उसके दिल में ये एक तरह से यंग चैन ये के जीवन जैसा दिखता है। सासा कहती है डैमिन चिंता मत करो, जिमी एक ब्राइट और एक अपबीट बच्चा है, वह ठीक हो जाएगा। दन सभी सॉन्ग को एंजॉय करते हैं। Thank you.
नेक्स्ट सीन में हमें जिमी और डैमियन को कैटी से वीडियो कॉल पे बातें करते दिखाया जाता है, जहाँ जिमी कैटी को अपनी कंसर्ट के बारे में बता रहा होता है। जिमी को खुश देखकर कैटी खुश हो रही होती है। इसी तरह वो दोनों कंसर्ट के बारे में बातें बता रहे होते हैं कैटी को, देन वो एक दूसरे को बाय बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जेरी और डैमियन को ड्रिंक को एंजॉय करते दिखाया जाता है। दोनों ड्रिंक को चीयर्स करते हैं। डैमियन कहता है, बेबी मैं रियली में अप्रिशिएट करता हूँ हमें इन्वाइट करने के लिए यून चैन ये के कंसर्ट में आज। ये न केवल मेरे लिए बहुत मायने रखता है लेकिन जिमी के लिए भी और कैटी के लिए भी, ये उनके लिए बहुत मायने रखता है। देन वो ड्रिंक को अगेन चीयर्स करते हैं। डैमियन कहता है, फाइनली तुम दोनों में सुलह हो ही गई, इसमें मुझे खुशी मिलती है। टू बी ऑनेस्ट मैं सोच रहा था कि मैं एक डैड के रूप में असफल हो सकता था। जेरी कहता है, ये सच नहीं है। जिमी ने कहा कि वह आज तुमसे प्यार करता है। कैटी ने भी तुम्हें माफ कर दिया है, सब कुछ बेहतर हो रहा है, सिर्फ जिमी ही नहीं। डैमियन कहता है, तुम और काई हुआलिन में रह रहे थे और वापस नहीं आना चाहते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बेकार हो रहा था और मैं भी बहाना बनाकर बिजी रखना चाहता था अपने आप को, मेरी इनसिक्योरिटीज को कवर करने के लिए, और हेल्पलेस मैं नहीं चाहता और मुझे एक और बच्चा होने का डर है। इसका हमारी आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं एक अच्छा पिता बन सकता हूँ। मैं रियली में इससे डरता हूँ। जेरी कहता है, ठीक है ज्यादा मत सोचो। देन डैमियन रोने लगता है। जेरी कहता है, दरअसल मुझे भी डर लग रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं एक अच्छा स्टेप फादर बन सकता हूँ या नहीं। डैमियन कहता है, बेबी मैं रियली में फील कर रहा हूँ कि मैं खुश हूँ। जेरी कहता है, अब हम चार लोगों का परिवार है, मैं समझा नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। डैमियन कहता है, पिछली रात क्या हुआ? जेरी कहता है, बल्कि मुझे तुमसे ये बात पूछनी चाहिए, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर मैं प्रेग्नेंट हुआ तो तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। डैमियन कहता है, तब मुझे इसके बारे में सोचना होगा।
देन जेरी कहता है हमें अभी तक ये सब करने से रोका क्यों नहीं गया। देन दोनों रूम के बाहर आते हैं जो जिमी और काई को ढूंढते हैं। देन डायमंड की नजर एक स्लिप पर जाती है जो वहां पर रखी होती है। देन वो उसे उठाता है और रीड करता है जिस पर लिखा होता है रेड वाइन कैंडल्स एक्सो एक्सो को एंजॉय करें। मैं काई को ब्रेकफास्ट के लिए बाहर ले गया हूँ, आप दोनों सेकेंड राउंड के लिए जा सकते हैं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। और ये एपिसोड हमारा यही खत्म हो जाता है।